मुंबई की तरह पठानकोट हमले में भी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में लीक हुई जेआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जिसमें जेआईटी ने एयरबेस हमले को भारत का ड्रामा बताया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान को पठानकोट हमले में 7 शहीदों की मौत ड्रामा लगती है। पाकिस्तानी मीडिया में लीक हुई जेआईटी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जेआईटी ने पठानकोट हमले को भारत का नाटक करार दिया है। इस रिपोर्ट में जेआईटी सदस्य के हवाले से लिखा गया है कि हमले के चंद घंटे के भीतर ही हमलावरों को मार गिराया था, लेकिन दुनिया का ध्यान खींचने के लिए 3 दिन तक ड्रामा खेला गया। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान से संबंधित किसी भी हमलावर की जानकारी देने में नाकामयाब रहीं। भारत ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका जिससे पता लग सके कि हमला पाकिस्तान ने कराया था। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एयरबेस का दौरा सिर्फ 45 मिनट का था। कम वक्त में सबूत जुटाना मुमकिन नहीं हो सका। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत के आरोप लगने से पाकिस्तान की छवि खराब हुई है और भारत दौरे के दौरान एनआईए ने सहयोग नहीं किया था, जबकि एनआईए के मुताबिक उन्होंने जेआईटी को सभी सबूत सौंपे थे जिन्हें पाक टीम ने भी दबी आवाज में माना था। ऐसे में पाकिस्तान लौटने के बाद जांच टीम का मीडिया के हवाले से ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या जांच टीम किसी के दबाव में सबूतों को अनदेखा कर रही है? अगर वाकई ये सब ड्रामा है तो पाकिस्तान में इस मामले को लेकर जो गिरफ्तारियां की गई है क्या वो भी महज दिखावा है? जांच टीम जब भारत आई थी तो लग रहा था कि पाकिस्तान भी हमले को लेकर गंभीर है, लेकिन पड़ोसी मुल्क के इस रवैये ने उसकी विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है।